गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज हम जो है हिंदी के अंदर पार्ट दो रिवाइज करेंगे। सभी बच्चों के पेपर आने वाले हैं तो मैंने इसलिए रिवीजन स्टार्ट करी हुई है। आज हम जो है पार्ट दो जो है रिवाइज करेंगे। शब्दार्थ रोजी रोटी। रोजी रोटी क्या होता है? जीविका या खर्चा। रोजी रोटी जीविका खर्चा। कमंडल। कमंडल क्या होता है बच्चों? साधु संतों के पास रहने वाला पात्र। कमंडल क्या होता है? साधु संतों के पास रहने वाला पात्र। शीघ्र जल्दी। महात्मा साधु। रोज प्रतिदिन। प्रश्न खुश। मूर्ख बेवकूफ। अब हम जो इसका बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जो आपका सही उत्तर है उस पर क्या करेंगे? सभी बच्चे सही का निशान लगाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। गोपी क्या बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था? गोपी जो है क्या बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था? चाय दूध तेल। क्या बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था? दूध। तो सही बच्चे क्या करेंगे? दूध के आगे सही का निशान लगाएंगे। ख है महात्मा ने गोपी को क्या इनाम दिया? महात्मा ने जो है गोपी को क्या इनाम दिया? सोने का सिक्का, मुर्गी, अंडा। तो क्या इनाम दिया था बच्चों? मुर्गी। तो मुर्गी के आगे सही बच्चे सही का निशान लगाएंगे। किसके मन में लालच आया? किसके मन में आया? गोपी की पत्नी के दोनों के। तो किसके मन में आया? गोपी की पत्नी के। नेक्स्ट है कौन सी चीज जो है बुरी बला है? अच्छाई बुराई लालच। तो लालच के आगे सही बच्चे क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। सही शब्द से आपको क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। गोपी डैश बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। तो गोपी क्या बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था? दूध। क्या लिखेंगे? दूध। नेक्स्ट है पानी पीकर महात्मा बहुत डैश हुआ। पानी पीकर जो है महात्मा बहुत क्या हुआ? प्रश्न हुआ। पानी पीकर महात्मा बहुत प्रश्न हुआ। नेक्स्ट है पत्नी के मन में डैश आ गया। पत्नी के मन में क्या आ गया? लालच। क्या आ गया? लालच। नेक्स्ट है आपका मुर्गी को मरी हुई देखकर डैश बहुत क्रोधित हुआ। मुर्गी को मरी हुई देखकर गोपी बहुत क्रोधित हुआ। नेक्स्ट है आपका लालच के कारण हमने अपनी डैश खो दी है। लालच के कारण जो है हमने अपनी क्या खो दी है? मुर्गी। क्या खो दी है? मुर्गी। नेक्स्ट है आपका सही उत्तर पर सही तथा सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। गोपी गंगापुर गांव में रहता था। तो ये क्या है? गलत। गोपी फूलपुर गांव में रहता था। महात्मा ने प्रश्न होकर गोपी की पत्नी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दी। तो उसने किसको दी थी? उसकी पत्नी को नहीं दी थी, गोपी को दी थी। तो ये भी क्या है? गलत है। गोपी ने मुर्गी का पेट काट दिया। गोपी ने क्या करा? मुर्गी का पेट काट दिया। गलत। किसने काटा था? गोपी की पत्नी ने। नेक्स्ट है गोपी मुर्गी को मरी हुई देखकर बहुत क्रोधित हुआ। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है आपको बच्चों आ की मात्रा वाले शब्द पाठ से छाट कर लिखो। फर्स्ट में हमने लिखा है लालच, सेकंड है शाम, थर्ड है लगा, फोर्थ है निकाल, फिफ्थ है धनवान, सिक्स्थ है सारे। लालच, शाम, लगा, निकाल, धनवान, सारे। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाओ। फर्स्ट है अशुद्ध मतलब जो आपके गलत शब्द है उन पे क्या करना है? गोला लगाना है। मुर्गी, ये क्या है? सही है। सेकंड है प्रश्न, ये भी सही है। थर्ड है महात्मा, ये भी सही है। फोर्थ है आपका ललाच। ललाच क्या है? गलत है। तो इस पे सही बच्चे गोला लगाएंगे। करण, ये भी आपका अशुद्ध है। पत्नी सही है। शीघ्र सही है। सोने गलत है। नेक्स्ट है आपका
दिए गए शब्दों को पुल्लिंग में बदलो। तो मुर्गी, मुर्गी का क्या हो जाएगा? मुर्गा। स्त्री, पुरुष। पत्नी, पति। बुरी, अच्छी। बच्चों, आज मैंने जो है आपको बुक वर्क पार्ट दो का रिवाइज कराया है। जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड करी थी उनको जो है साथ के साथ ही जो है ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से लर्न हो गया था। तो सभी बच्चे कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी लाइव क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्ट मैडम से पूछ सकते हो, आपको लर्न नहीं होता है तो आप मैडम को बोल सकते हो। तो बच्चों को जो है लाइव क्लास में जल्दी लर्न हो जाता है, जल्दी से कोई भी चीज़ जो है फटाफट समझ आ जाती है। तो सभी बच्चे लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। थैंक यू।